Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our sixth lecture of maths for class 7. Previous lecture में हम exercise कर रहे थे 2B. हमने 4 questions कर लिए हैं. Fifth question है fill करना हमें with in signs के साथ. ये है greater, smaller का sign. ये smaller और ये equal या greater. हमने इसमें check करना है कि ये number इस number के equal है, greater है या smaller. तो इसके लिए सेम वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है हम रफ में प्रोसेस कर लेते हैं. ये है -7/12 और ये नंबर है माइनस ऊपर ले जाते हैं इसका भी /8. हमने नंबर को ग्रेटर या स्मॉलर चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था कि क्या करते हैं डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस डिनोमिनेटर से इनको -7/12 मल्टीप्लाई बाय एट इसको भी करें -5/8 इनको कर इससे करेंगे 12 और ये भी 12 7/8 = 56 -56/12 = 96 ये देखें -60/96. अब इसमें इस नंबर को चेक करना है ना कि ये नंबर ग्रेटर है इससे या स्मॉलर है. ये देखें कि नेगेटिव साइन है स्मॉलर वैल्यू दे रहा है. मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव साइन स्मॉलर वैल्यू देता है डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना न्यूमिनेटर में, जो स्मॉलर वैल्यू रखेगा वो ग्रेटर. इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर है. कौन सा नंबर? ये ग्रेटर है. इसका मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस. -7/12 इज ग्रेटर देन 5/-8 तो ये हमारे पास नंबर ग्रेटर हो जाएगा. नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का. -4/9 बॉक्स -3/7 इनको भी सेम प्रोसीजर से चेक करते हैं. -4/9 -3/7 -4/9 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस डिनोमिनेटर के साथ 7 के साथ. -3/7 इसको 9 के साथ करेंगे. -28/63 -27/63 फर्स्ट नंबर को चेक करना है ना. फर्स्ट नंबर ये देखें नेगेटिव साइन में ग्रेटर वैल्यू दे रहा है. अगर नेगेटिव साइन में ग्रेटर वैल्यू दे तो इसका मतलब है कि ये नंबर स्मॉलर होगा और स्मॉलर का ये साइन होगा. ये हमारे पास इसका आंसर है. तो इजी है बेटा. सेम जो है वही टेक्निक इसमें यूज हो रही है. इसमें एक और पार्ट कर लेते हैं हम 6 पार्ट्स हैं 3 रह गए कि वो आप नंबर में ले रहे हैं. लास्ट पार्ट कर लेते हैं 6 पार्ट. 6 में 4/6 बॉक्स 1/12 नंबर क्या है? ये दोनों पॉजिटिव है तो हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर इनके सेम करते हैं. 4/6 1/12 4 × 12 6 × 12 1/12 × 6 × 6 डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम हो गए. 48/72 6/72 अब फर्स्ट नंबर देखते हैं पॉजिटिव में. पॉजिटिव में जो अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा तो जाहिर नंबर ग्रेटर है. ये नंबर ग्रेटर है इट मीन के 4/6 इज ग्रेटर. 4/6 जो है वो 1/12 से ग्रेटर होगा. कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं वो बेटा आप लोगों ने होमवर्क में करना है. अब हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. बुक पर देखें पेज नंबर 26 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं. अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग का मतलब है कि सबसे पहले स्मॉलर नंबर हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बिगर नंबर हो. बिगेस्ट नंबर है वो लास्ट में आए.
बाय फाइव माइनस वन बाय टू एट ओवर माइनस फिफ्टीन। नेगेटिव साइन ऊपर हो या नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस थ्री बाय माइनस टेन, दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री बाय फाइव माइनस वन बाय टू माइनस एट बाय फिफ्टीन और ये थ्री बाय टेन। अब इनका हमने डिनोमिनेटर सेम करना है चेक करने के लिए कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो डिनोमिनेटर इनका सेम करेंगे, इसके लिए हम एलसीएम मेथड यूज कर लेते हैं क्योंकि नंबर हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर लिख लेते हैं टू टेन, मैं अरेंज करके लिख लेता हूं, चलिए फाइव और ये फिफ्टीन आ गए। अब देखिए पहले किस टेबल से आ रहे हैं, ये टू नंबर जो है वो टू के टेबल में आ रहे हैं तो हम टू से डिवाइड कर देते हैं। टू वन जर टू, टू फाइव जर टेन, ये डिवाइड नहीं हो रहे तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अब देखते हैं कि ये तीनों नंबर जो है ये फाइव के टेबल से आ रहे हैं, ये तो वन है ना, ये तो खत्म हो गया। फाइव वन जर फाइव, फाइव वन जर फाइव और फाइव थ्री जर फिफ्टीन। अब ये लास्ट नंबर थ्री रह जाएगा, ये थ्री के टेबल में आ रहा है, सॉरी ये थ्री वन जर। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री थर्टी। एलसीएम क्या आ रहे हैं, थर्टी। इन सब नंबर के डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, थर्टी होना चाहिए। तो फिर हम इजीली चेक करते हैं, अब देखते हैं थ्री बाय फाइव, फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी, फाइव सिक्स और थर्टी, तो इसके न्यूमिनेटर को भी सिक्स से करेंगे। माइनस वन बाय टू, टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी आएगा, टू फिफ्टीन और थर्टी, तो इसके न्यूमिरेटर को भी, न्यूमिरेटर को भी 15 से। माइनस एट बाय 15, 15 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, न्यूमिरेटर को भी 2 से। 3 बाय 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 30 बन जाएगा और इसको भी 3 से। 6 3 आर 18 ओवर 30, माइनस 15 ओवर 30, माइनस 16 ओवर 30, 9 ओवर 30। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है इसको। असेंडिंग में करने का मतलब है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आए हमारे पास, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। देखिए ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, ये तो जाहिर इन नेगेटिव से बड़े होंगे, इन दोनों नंबर से चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। नेगेटिव में ये स्मॉलर नंबर आ रहा है और ये बिगर है। जो नंबर बड़ा होता है हमें पता है कि नेगेटिव में वो स्मॉलर होगा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। माइनस 16 बाय 30, ये किस नंबर से प्रोड्यूस हुआ है, 8 बाय माइनस 15, इसका मतलब है 8 बाय माइनस 15 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। उसके बाद जो उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर्स है ना, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से तो लास्ट भी बड़े होंगे। उसके बाद आ जाएगा माइनस 15 बाय 30, इसको देखिए ये प्रोड्यूस हुआ है माइनस 1 बाय 2 से। अब इन नंबर को डिसाइड करना है, इनमें स्मॉलर नंबर पहले लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, बिगर बाद में होगा, तो ये बिगर होगा और ये स्मॉलर है क्योंकि पॉजिटिव में जो है वो स्मॉलर जो है वगैरह स्मॉलर ही देगा। तो ये किससे प्रोड्यूस हुआ है, माइनस 3 बाय माइनस 10 और लास्ट में जो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ये किससे प्रोड्यूस हुआ है, 2 बाय 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर करें, नेक्स्ट है क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपने बेटा होमवर्क में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखते, तो ये चेंज हो जाएगा। डिसेंडिंग में अगर आप करेंगे तो ये सबसे पहले आएगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू वो लास्ट में आ जाएगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यू विल डू एट होम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज, इजी क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे हम नंबर ले रहे हैं सपोज 3 है, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 दे सकते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना हो तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को चेंज कर देना है। जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो नीचे, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल। इसका फर्स्ट है -3, तो -3 का रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, सबसे पहले इसको हम -3/1 कर देते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में लाते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर। नेगेटिव साइन कहीं भी लिख दें उसका कोई इश्यू नहीं है, नीचे लिखें साइड पर लिखें या ऊपर लिखें, तो ये बेटा आंसर आ गया। 7 सेकंड पार्ट, सेकंड है 1/7, तो ये पहले ही इसमें रैशनल नंबर के फॉर्म में इसका रेसिप्रोकल, न्यूमिनेटर ऊपर आ जाए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर कौन बनेगा, न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें हम नंबर 6 कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। 2/-3 मल्टीप्लाई 4/-5। अच्छा इसमें देखें कि 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 नंबर्स हैं, इसमें भी बेटा कोई इश्यू नहीं है, इसमें भी हम इसका जो है वो रेसिप्रोकल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले नंबर को जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर लें। देखिए नंबर को न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4, 2 × 4 = 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 × -5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब इस नंबर का हम रेसिप्रोकल ले लें, 15 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे, तो ये आंसर है। तो बेटा इसके भी आपने रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क में करना है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो होमवर्क बेटा लाजमी करना, नोटबुक्स में भी लिखें और अच्छी तरह इनकी जो थ्योरी है उसको भी पढ़ा करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।